हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग साथ में पार्लर सीक्रेट बेस के बारे में शेयर करने वाली हूँ, जो आप लोग कहीं पर भी नहीं देखे होंगे। और बहुत सारे तरीके होते हैं बेस बनाने के, तो आज मैं अपनी तरीका शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, कैसे हम फोटो फिनिश बेस रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्ट आप लोगों को चाहिए नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है फाउंडेशन, मैक का फाउंडेशन है और स्मार्ट बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर है। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा आप लोगों को महंगा पड़ता है, पर ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक अच्छी वीडियो, मतलब एक अच्छी फ़ोटोशूट करवाना चाहते हो अपनी क्लाइंट का, तो आप लोगों को भी प्राइमर अच्छा लेना होगा। मेबलिन का भी अच्छा होता है, तो आप लोग जो भी आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप ले लो। ठीक है, तो प्राइमर को ना आपको राउंड राउंड मतलब इस तरीके से आप लोगों को लॉक करना है। ठीक है, एक बार आप मतलब राइट वर्ड टू मतलब लेफ्ट वर्ड ऐसे करके आप लोगों को घुमा के प्राइमर को नोज़ के एरिया पे अच्छी तरीके से सेट करना है। अगर आप आई मेकअप कर रहे हो ना, तो भी आप लोगों को प्राइमर यूज़ करना ज़रूरी होता है, ताकि जो आई मेकअप लोग है ना, वो मतलब केकी जैसा ना लगे। बहुत सारे लोगों की आई मेकअप भी केकी हो जाती है, जब हम मतलब वो जो बेस लगाते हैं तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को 2 मिनट सूखने देना है। हमेशा याद रखना है, अगर आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो, बेस अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी आप लोग अप्लाई करो, आप लोगों को 2 मिनट तक सुखाने देना होगा। ठीक है, और ये प्राइमर बहुत दिनों तक जाता है, अगर एक बार आप इन्वेस्ट कर देते हो तो बहुत दिनों तक जाता है। और आप मतलब जहाँ पर आप लोगों को अच्छी पेमेंट मिलती है, आप वहाँ पे जाके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने प्राइमर मैक का फाउंडेशन लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे हाथ पे दिखा रही हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ, वरना हम एक उसका ये मिलता है जिसमें हम उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, तो हम वो यूज़ करते हैं। और इसके बाद में ब्रश लूँगी। ठीक है गाइस, हमेशा याद रखना है आप लोगों को, पहले ब्रश से ही आप लोगों को चारों तरफ फैला लेना है। और अगर आप फोटो फिनिश चाहते हो, आप लोगों को ब्रश पे हाथ बिठाना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रश से ही आप अच्छी तरीके से सब कुछ सेपरेट लगा सकते हो। और अगर आप लोगों को ब्रश नहीं जमता है, तो ब्यूटी ब्लेंडर भी अच्छा, अच्छी क्वालिटी वाली लो। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है। बेस भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, उसके ऊपर मैं बेस यानी कंसीलर भी बोल सकते हो। बेस अलग होता है, कंसीलर भी अलग होता है। बेस उसे बोलते हैं जो हम ब्राइडल पर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्राइडल के लिए दिखा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कितना हाई कवरेज है। मैक का फाउंडेशन हाई कवरेज होता है, अगर आप थोड़ी क्वांटिटी लेते हो तो फिर हाई कवरेज नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा यानी ब्राइडल रेडी कर रहे हो, तो आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेनी होगी। और ये जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये आप लोगों को आई के नीचे लगानी होगी। ठीक है, कंसीलर टाइप है, ये भी बेस ही है, कंसीलर टाइप है थोड़ा। तो ये लगा लेने से क्या होगा कि आपकी जो आई अंडर एरिया है ना, वो ब्लैक जो डार्क स्पॉट्स वगैरह रहते हैं और अंडर आई जो ब्लैक होती है, वो मतलब उसको हाइड करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, सो मैं थोड़ा सा अपने हाथों के ऊपर भी अप्लाई करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ना अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और गाइस, मेरी थोड़ी सी रिंग लाइट ख़राब वगैरह है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हो मैं अपने हैंड इस तरफ दिखा रही हूँ, पर ब्राइडल जब आप रेडी करते हो ना, तो ब्राइडल सामने से तो सच्चे में भूत जैसे लगती है, पर दूर से जब फोटो वगैरह खींचते ना, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खूबसूरत लगती है। तो उसके बाद मैंने 2 मिनट का टाइम दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का मास्टर फिक्स लूज़ पाउडर। आपके पास कोई भी लूज़ पाउडर हो, बनाना पाउडर हो, आप ले लो उसको, और उसको थोड़ा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर आप लोगों को बेक करना है। ठीक है, आप लोगों को पाउडर को जो है ना, अच्छी तरीके से पहले तो आप लोगों को आपका जो फाउंडेशन बेस है, वो थोड़ा 2 मिनट के लिए सुखा लेना है। यूँ ही फटाफट करोगे ना, तो आपका बेस केकी हमेशा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं उसके ऊपर से ना लूज़ पाउडर यूज़ किया मैंने। तो लूज़ पाउडर यूज़ जैसे ही मैंने किया, आप लोग देख रहे हो ना कितना मेट फिनिश हो चुका है, मेरा जो बेस है वो मेट फिनिश हो गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।
तो वीडियो को पसंद की हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके की वीडियो मैं और भी लेके आऊँगी अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो।